सेवा से सीखें, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्रप्रयाग में एनएसएस छात्र और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों ने एक महीने तक जिला चिकित्सालय में मरीजों की सेवा करने के साथ ही चिकित्सालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को सीखा। इसके तहत युवाओं को आयुष्मान कार्ड, ऑफिस प्रबंधन, आपात सेवा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आभा ऐप के बारे में जानकारी दी गई। जिला चिकित्सालय के CMS डॉ. मनोज बड़ूनी ने कहा कि स्वयंसेवियों ने एक महीने तक बेहतरीन काम किया और उन्हें अस्पताल के स्टाफ से बहुत कुछ सीखने को मिला। नेहरू युवा केंद्र से 30 वॉलंटियर मिले थे हम लोगों को, तो जो एक महीने गए थे, तो इनको हमने इमरजेंसी में और पेशेंट के ओपीडीज में हर जगह इनको ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर भेजा था, तो अच्छे से इन्होंने किया है, काम बहुत अच्छे से किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट और बेस्ट विशेज है इन लोगों को आगे के लिए भी। इन्होंने सेवा इससे मिली कि बुजुर्ग पेशेंट है उनको भी डी पहुँचाना है ना, इमरजेंसी में कोई पेशेंट है बुजुर्गों की उनकी हेल्प करना, इवन कई लोग डेड बॉडी वगैरह को ले जाने में वहाँ भी इन लोगों ने हेल्प की, तो इस तरह से हॉस्टल के हर ही डिपार्टमेंट में इनकी हेल्प मिली है। रुद्रप्रयाग महाविद्यालय के NSS इकाई प्रभारी श्रीकांत नौटियाल ने बताया कि स्वयंसेवियों में ये समझ विकसित हुई कि सेवा भाव के माध्यम से ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अस्पताल और रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान भी चलाया। उस के अंतर्गत इन स्वयंसेवियों द्वारा अपने जीवन में भी यह सीख उन्होंने पाई है कि किस प्रकार से गरीब, निर्धन और जो लोग किसी रोग से पीड़ित हैं उनकी सेवा ही कहीं ना कहीं सच्ची अर्थों में सेवा मानी जाती है। और हमारे सारे स्वयंसेवियों ने यहाँ पर जितना उनको उनके जो यहाँ चिकित्सक हैं उन्होंने निर्देशित किया था, जितने यहाँ जिला चिकित्सालय में जो भी स्टाफ था उन्होंने जो जो उनसे कार्य करवाए उनको सिखाया, उन्होंने पूर्ण मनोयोग से उसको सीखा और जो प्रशासन है उन सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी राहुल डबराल ने कहा कि एक महीने तक युवाओं ने लोगों की परेशानियों को जाना और उनकी सेवा और सहयोग किया। जो हमारे महाविद्यालय रुद्रप्रयाग का उसमें NSS के जो हमारे स्वयं सेवक है उन्होंने हॉस्पिटल्स में जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम किया। यहाँ पे बच्चों ने जो भी हमारे हॉस्पिटल में गतिविधियाँ होती हैं, इमरजेंसी रूम्स, ब्लड डोनेशन वगैरह, उन चीज़ों के बारे में सीखा और अपना विकास भी किया और परेशानी को भी समझा कि क्या दिक्कतें आती है फील्ड में काम करने में, ताकि उनका अपना विकास भी हो सके और हमारे एक तरह से जनपद और देश का विकास भी। जिला अस्पताल में एक महीने तक मरीजों की सेवा करने वाले युवाओं ने कहा कि उन्हें इस दौरान नए अनुभव प्राप्त हुए और नई जानकारियां सीखने को मिली। एक महीने से इस हॉस्पिटल में काम किया तो हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने के मिला। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है तो वहाँ के जो कुछ भी वहाँ होता है उन सब ने हमको सिखाया अपने अपने हिसाब से। जैसे इमरजेंसी वार्ड में हमने ड्रेसिंग करना सिखाया और जो बाइट्स होती है, स्नेक बाइट, मंकी बाइट और जो भी बाइट्स होती हैं, तो उसके लिए क्या ऐसे इंजेक्शन और कैसी मेडिसिन होती है उसके बारे में बताया। और पैथोलॉजी लैब में हमको बताया कि ब्लड टेस्ट कैसे होता है, ब्लड के सैंपल्स में जो डिजीज़ होती है उनका पता कैसे चलता है उनका। और फिर एक कुछ दो तीन दिन हम गायनों के डिपार्टमेंट में थे तो वहाँ जो मैम थे तो उन्होंने हमको वहाँ के बारे में बताया। हॉस्पिटल में फर्स्ट डे आए थे तो यहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड था वो नीचे था, तो हमने यहाँ ऊपर शिफ्ट किया उसको, तो धीरे धीरे हम यहाँ मतलब यहाँ डलने लग गए, हमें यहाँ काम काफ़ी अच्छा लगा। तो ज़्यादातर मैं यहीं इमरजेंसी वार्ड में था तो यहाँ मैंने पट्टी चेंज वगैरह, टाँके लगाने वगैरह काफ़ी कुछ सीखा।